नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकी में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने ट्रॉफी के साथ भेंट की। इस अवसर पर झांकी के टीम लीडर संयुक्त निदेशक के साथ झांकी के कलाकार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को मानसखंड झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार मिलने पर प्रदेश के लिए सम्मान की बात बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि झांकी में शामिल प्रत्येक कलाकार को 50,000 की धनराशि दी जाएगी। मानसखंड झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है और इस पर सीएम ने सभी कलाकारों से मुलाकात की और कलाकारों को ट्रॉफी भेंट की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया गया है कलाकारों को। ने कलाकारों से भेंट की है और इस दौरान सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। बताते चलें कि 26 जनवरी में जो मानसखंड झांकी निकली थी उसमें उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला है। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जारी 2023-24 के बजट पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह बजट एक ऐतिहासिक बहुमुखी और संतुलित बजट है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन को लेकर भी बजट में कई बेहतर प्रावधान किए गए हैं। कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से इनकम टैक्स की स्लैब को बनाया गया है उससे काफी राहत इस बजट से मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 7 लाख तक टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया है वह एक ऐतिहासिक कदम है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो 740 होने, जिस प्रकार से केंद्रीय करों में राज्यों का अंश बढ़ाया गया, हमारा प्रदेश का भी अंश उसमें बढ़ेगा और प्रदेश का जो केंद्रीय पोषित योजना है उसमें भी प्रावधान बढ़े हैं, वित्तीय प्रावधान बढ़े हैं, तो उसमें राज्य को फायदा होगा। राज्यों को जो 50 वर्ष के लिए एक ब्याज मुक्त ऋण एक वर्ष मिलता था वो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। ये सारे जो विषय हैं इसमें निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड को फायदा होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून की, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से बजट में यह कहा गया है कि आने वाले 3 सालों के लिए बजट बेहद खास रहने वाला है उससे साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें युवाओं को रोजगार के लिए तोहफे के रूप में केंद्र सरकार कुछ पेश करती, लेकिन इस बजट में भी युवाओं को निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने कहा कि खाली लिफाफे वाली योजनाएं लोगों के सामने प्रस्तुत की गई हैं जिससे कोई भी फायदा पहुंचने वाला नहीं है। मामलों में वित्त मंत्री ने कहा है कि ये 3 वर्ष के पुरुष के लिए नंबर 1। नंबर 2, हम उम्मीद कर रहे थे कि आखिर अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में, जबकि प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, तो कम से कम देश के युवाओं से माफी मांगते हुए कहते कि भाई पहले 9 साल या 8 साल मैं आपको 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी नहीं दे पाया और अब इस साल हम उस वादे को पूरा करेंगे ताकि आगे के लिए भी एक परंपरा प्रारंभ हो।
वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक कापकोट सुरेश गाड़िया, मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि अल्मोड़ा से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए बजट को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट में कुछ चीजें हैं जिनका वे स्वागत करते हैं, पर उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को इस बजट से निराशा हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ये बजट लोक लुहान है और पूरी तरह से आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। जो प्रस्तुत किया है ये आगामी चुनाव को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है और इसमें कुछ चीजें अच्छी की गई है, उनकी हम सराहना करते हैं। जैसे कि जो कर है उसमें 5 से 7 लाख की छूट दी गई है और उसके जो 4 स्लैब हैं उसमें उसका प्रावधान किया गया है, उसकी निश्चित रूप से हम प्रशंसा करते हैं। और इसके साथ साथ आज के वर्तमान दौर को देखते हुए जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही है, वो भी एक सराहनीय कदम है। और इसके साथ साथ लेकिन अगर हम कुल मिला के देखेंगे ये बजट लोक लुभावना बजट है और आंकड़ों का खेल खेला गया है, इसमें कहीं भी रोजगार की बात नहीं कही गई इस बजट में। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अब आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर आप नेताओं की ओर से प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू हो गई है। हल्द्वानी पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नैनीताल अल्मोड़ा जिले के प्रभारी शिशुपाल सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उत्तराखंड के प्रभारी दिनेश मोहानिया की सहमति के बाद उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और विधानसभा चुनाव में हल्द्वानी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे समित टिक्कू को नई जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश सचिव और नैनीताल जिले के सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पार्टी में नई जिम्मेदारी के बाद समित टिक्कू के नेतृत्व में आभार जताते हुए संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात कही गई है। कि आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया जी का आदेश है कि हम पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेंगे, नगर पंचायत से लेकर नगर निगम वार्ड सारे चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी और पुरजोर तरीके से लड़ेगी, दमखम से लड़ेगी। उसी कड़ी में जो है कि हम संगठन का भी विस्तार कर रहे हैं। आज हल्द्वानी में पूर्व में प्रत्याशी रहे भाई समित टिक्कू जी को प्रदेश संगठन सचिव नियुक्त किया गया है माननीय प्रभारी जी के अनुमोदन पर, और साथ में नैनीताल जिले का आपको सह प्रभारी भी, पहले से भी हमारे 2 सह प्रभारी हैं जिनको 3-3 विधानसभा दिए, लेकिन मेरे साथ में सहयोग करने के लिए भाई समित टिक्कू जी को भी नैनीताल जिले की सह प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है। सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी का, भाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत जी का, और इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी हैं मैं बहुत अच्छे से इनका निर्वाह करूंगा और एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है जो अभी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतनी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। कलियर से रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़ित किशोरी की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जिसके चलते पुलिस टीम का गठन किया गया था।
इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपी को न्यायालय के सामने पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि फर्जी मार्कशीट और शैक्षणिक दस्तावेज बनाकर कमाई करने वालों की गैंग का भंडाफोड़ देहरादून पुलिस ने किया है। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कोतवाली नगर एसओजी की संयुक्त टीम एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में दुकान संख्या L21 पर पहुंची, जहां पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा मिला। जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजकिशोर बताया। मौके पर ऑफिस में पुलिस को टेबल पर एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप और एक प्रिंटर, उनके कुछ प्राइवेट लैपटॉप से राष्ट्रीय सेवा अनुसंधान परिषद के सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के फर्जी प्रमाण पत्र मिले। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पैसे से एडवांस में लेने के बाद फर्जी सर्टिफिकेट और शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाया करते थे। उसमें L21 जो दुकान है वहां पर आश्रय फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ चल रहा था और इस एनजीओ के बारे में हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है फर्जी 10th के 12th की क्लासेस के जो है वो अंक तालिका प्रमाण पत्र बन रहे हैं। इस पर हमारे कोतवाली पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से काम किया। इसको मतलब एसपी क्राइम, एसपी सिटी और सीओ के नेतृत्व में इसको पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एमडी चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पुलिस ने देर रात पंचकक्की चौराहे पर गोलीकांड का खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि कल देर रात पंचकक्की चौराहे के एक कैफे में चंपावत के रहने वाले विशन सिंह को कैफे स्वामी में उसके दोस्त की अवैध पिस्टल से गोली मार दी गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी चंपावत के रहने वाले हैं और कैफे में किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। युवकों ने विशन सिंह पर फायर कर दिया। एसएसपी ने बताया कि दोनों को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ये रात को एक घटना हुई थी जिसपे आपका इनके भाई विक्रम सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई कि उसके भाई बिशन सिंह, जिसका AM to PM बेकरी है, उसके यहाँ दीपक बिष्ट, आपका दीपक और संजू बिष्ट बैठे हुए थे इनके साथ में और कुछ और युवक थे। इनकी आपस में कहासुनी हुई, इसमें दीपक द्वारा लाए गए अवैध पिस्टल से संजू बिष्ट ने फायर किया, जिससे इनके भाई बिशन सिंह सीरियस इंजर्ड हो गए। इस पर 307 का मुकदमा कायम किया गया। पुलिस द्वारा तत्परता से बिशन को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिन्हें राममूर्ति अस्पताल रेफर किया गया। वहीं अगली खबर जसपुर से है, जहां सरकारी कर्मचारी सरकार के आदेशों की खिल्लियां उड़ाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि एक कर्मचारी बीते काफी रोज से नगरपालिका से नदारद है। वहीं इस बात का संज्ञान अधिशासी अधिकारी ने लेते हुए बताया कि कर्मचारियों से बात की गई है। कर्मचारी ने बताया कि काम करके दोपहर बाद गया है, लेकिन न जाने की कोई सूचना कार्यालय को लिखित में नहीं दी गई है। संज्ञान में आया है और मैंने भी संबंधित कर्मचारी से बात की है। उसके द्वारा बताया गया कि मैं दोपहर तक काम किया हूं, उसके बाद गया हूं, लेकिन जाने की कोई सूचना अभी कार्यालय को लिखित में नहीं दी है, तो इसके लिए उसका जवाब तलब किया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान जहां दफ्तरों में अटेंडेंस मशीन, बायोमेट्रिक मशीन लगी थी, वो सभी हटवा दी गई थी कोरोना फैलने को देखते हुए, लेकिन अभी जो है मामले ऐसे आ रहे हैं तो दोबारा मशीन खरीदने की तैयारी की जा रही है। वहीं एसएसपी हरिद्वार के निर्देश के बाद हरिद्वार में नशे के विरुद्ध पुलिस सख्ती के साथ अभियान चला रही है। उसके साथ ही महिला सशक्तिकरण और नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान को साकार करने के लिए पुलिस प्रशासन गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है।
महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और आसपास हो रही आपराधिक घटनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए मंगलौर कोतवाली निरीक्षक मनोज मीनवाल ने जागरूक करने और साइबर क्राइम से बचने के बारे में छात्राओं को जागरूक किया। मैं यहाँ स्कूल प्रबंधन और कपूर साहब जी के निवेदन पे स्कूल में आए थे। यहाँ बच्चियों की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी। यहाँ जो बेटियाँ हैं इनको जो नारी सुरक्षा और गोरा शक्ति है नशे के बारे में और एक गुड सेमेट्रियन स्कीम है जो ट्रैफिक से संबंधित है उसके बारे में इनको अवगत कराया और सामान्य विषयों पर भी इनसे बातचीत की गई और इसमें साइबर के जो होने वाले अपराध हैं उनकी संभावना और उनकी जागरूकता के बारे में भी इनसे बात की गई। जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में नवसृजित थाना और बोखी खाल में चौकी खुलने के लिए पुलिस महकमे को भवन मिल चुका है। बता दें कि यमकेश्वर में खाली पड़े शिक्षा विभाग के भवन को थाना संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि बी रो खाल में पुलिस चौकी को संचालित करने के लिए पटवारी चौकी का भवन मिला है। एसएसपी श्वेता चौबे का दावा है कि अगले सप्ताह में शुभ मुहूर्त देखकर थाना और चौकी का विधिवत लोकार्पण कर दिया जाएगा। श्वेता चौबे ने बताया कि यमकेश्वर थाने के अंतर्गत 171 और बेरोखाल चौकी के अंतर्गत 99 राजस्व गांव आए हैं, जिनकी निगरानी अब रेगुलर पुलिस करेगी। वहीं रानीखेत विधानसभा के विकासखंड तड़ीखेत में श्रद्धानंद मैदान में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना और उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने बिच्छू घास से रेशा धागा और कपड़ा तैयार करने के लिए रोजगार प्रशिक्षण शिविर और कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, पर्यटन सलाहकार भास्कर समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य पहाड़ के उत्पादों का वैज्ञानिक दोहन कर रोजगार पैदा करना है, जिसमें महिला समूहों को बिच्छू घास से ऑर्गेनिक चाय और रेशे से कपड़े बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये तो डॉक्टर नैनवाल की ही एक सृजन की कृति है जिसे उन्होंने यहाँ इस रूप में आज प्रस्तुत किया है कि बिच्छू घास जिसको गांव में हमेशा या तो मास्टर जी की बेंत समझते थे या फिर गरीब लोगों की सब्जी समझते थे, उसे आज एक ऐसा रूप दिया है कि वो चाय के रूप में बड़े बड़े जगहों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में बिके और उससे जो रेशा निकलता है बिच्छू घास से, वो रेशे का फाइबर उसका टेक्सटाइल या तो अंगवस्त्र या जैकेट या शॉल उसकी तरह से लोगों के पास सुसज्जित हो। हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड से पलायन मुक्त हो और पलायन मुक्त हो तो यहाँ पर यहाँ के जो उत्पाद हैं, यहाँ की जो कृषि उपज है, यहाँ की जो औषधियाँ हैं, इनको रोजगार से जोड़ने का। तो हमारे NRLM और रीप की मदद से हमने हमारे पूर्व IAS और प्रधानमंत्री जी के पूर्व सलाहकार आदरणीय भास्कर कुलवे जी से निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर खोला जाए जिसे बिच्छू घास से हमारी ऑर्गेनिक चाय और उसके रेशे से कपड़े बनाने का कार्यक्रम और कुटीर उद्योग शुरू किया जाए। नगर विकासनगर में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन का प्रदेशव्यापी आंदोलन लगातार जारी है। इसी को लेकर आज ग्राम प्रधान संगठन ने ब्लॉक मुख्यालयों पर तालाबंदी कर धरना दिया और जल्द मांगों को पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। इसी को लेकर पछवादून के चक्राता, कालसी विकासनगर और साहसपुर विकासखंडों में अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते साहसपुर विकासखंड में ग्राम प्रधानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए ब्लॉक मुख्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
आश्वासन दिया था कि जिस तरह से सेक्रेटरी लोगों को 10,000 रुपए का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा, उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन आज तक वो 10,000 प्रधानों को नहीं मिले हैं। यही इसी तरह से मानदेय की प्रधान का 3,000 रुपए है, 15 बार हमको ब्लॉक में कहीं मीटिंग में देहरादून कहीं जाना पड़ता है। क्या प्रधान अपना घर से इतना कहाँ से खर्च करेगा? अभी हमारा जो है, इससे पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किया गया था, तो हमारी कुछ मांगे सरकार को हमने ज्ञापन के माध्यम से भेज दी गई थी, तो उसमें भी कोई सकारात्मक रूप जो है सरकार के द्वारा प्रधानों के लिए कोई नहीं आया है। इसलिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी के लेवल से जो है आज पूर्ण रूप से तालाबंदी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर हम आज ब्लॉक सहसपुर में बैठे। रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज में एक मादा गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। बुधवार को गुलदार के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान मादा गुलदार के शरीर पर चोट के कई निशान मिले। मौत का कारण बाघ के साथ आपसी संघर्ष होना बताया जा रहा है। आमपोखरा रेंज में जो हमारा वो आर्मी एरिया है, वहां पर एक मादा गुलदार का शव कल हमारे सूचना प्राप्त हुई, तो वो लोग हमारा स्टाफ ने उसको रिकवर किया। तो मादा गुलदार के शरीर पर काफी ज्यादा घावों के निशान और उसको दूसरे जानवर द्वारा खाया हुआ देखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बड़े जानवर से मौत टाइगर के द्वारा उसको मारा गया। बाकी जो मृत्यु के वास्तविक कारण है वो पोस्टमार्टम अभी हो रहा है उसका, पोस्टमार्टम के उपरांत ही उसके बारे में कुछ पता चलेगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। थ्रू कॉन्स्टेंट इनोवेशन द ग्रुप प्रोवाइड